के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार के एक बयान से सियासी हंगामा मच गया है। विजय ने कहा कि 2008 के मुंबई हमलों के दौरान महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे की मौत जिस गोली से हुई थी, वो गोली पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब के बंदूक से नहीं बल्कि आरएसएस समर्थित एक पुलिस अधिकारी के हथियार से चली थी। और तत्कालीन सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस बात को जानबूझकर छुपा कर रखा। ऐसे में उज्जवल निकम देशद्रोही हैं। वहीं बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने ऐसे देशद्रोहियों को टिकट दिया है। दरअसल बीजेपी ने उत्तर मध्य मुंबई से इस बार पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है। निकम वही सरकारी वकील है जिन्होंने कसाब को फांसी तक पहुंचाया था। अब कांग्रेस निकम को लेकर सवाल उठा रही है। निकम के सामने कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी इस पर जवाब दिया जा रहा है और फडणवीस ने कहा है कि हमने उज्जवल निकम जैसे देशभक्त को टिकट दिया तो ये विरोधी पक्ष कांग्रेस एनसीपी के नेता कहते हैं कि उज्जवल निकम ने अजमल कसाब की बदनामी की। अब इनको चिंता किस बात की है? अजमल कसाब की, जिसने मुंबई में आकर बम धमाके किए। सवाल कि आपके मुंबई के उज्जवल निकम का, वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो एस एम मुशरिफ जी ने जो लिखा है किताब में उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी, वो गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी, उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था। अब रहा सवाल कि जो आज जिस तरह से राजनीति हो रही है, वो राजनीति में जो नीतिमत्ता नैतिकता के आधार पर हम लोग लड़ते थे, जनता के लिए लड़ते थे, पर ये सत्ता के लिए लड़ रहे लोग वो देश को बेचकर खाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रथमेश संवाददाता हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रथमेश, ये जो मामला है काफी विवादित पहले से रहा है, लेकिन कसाब का समर्थन और पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस का चुनाव के वक्त में झलकना, इस पर तो सियासत होना लाजमी है। किस तरह से जवाब इस पर दिया जा रहा है और इस बयान को लेकर कितनी सरगर्मी है? जी बिल्कुल, यहाँ जो सियासत है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र अगर बात करें तो जो उत्तर मध्य सीट से उज्जवल निकम जी को टिकट दिया गया है, उसी के बाद ही विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के जो एक वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, उनकी तरफ से ऐसा बयान आता है कि कसाब को जो कसाब ने जो गोली मारी थी, हेमंत करकरे बहुत बड़े जो एटीएस के पुलिस ऑफिसर थे, उन्हें जो मारी है वो कसाब की गोली नहीं, लेकिन वो एक किसी पुलिस की गोली लगी हुई थी, ये उनकी तरफ से बड़ा बयान आ रहा था। लेकिन उसी के बाद ही देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ऐसा बयान आता है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा घटिया राजनीति कर रही है और जो एकदम शुरू से ही जो कांग्रेस है वो कसाब का ही सपोर्ट कर रही है, ऐसा उसकी जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा एक बढ़ चुकी है महाराष्ट्र की अगर बात करें तो। और अगर देखिए जहाँ तक अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी जो बहुत ज्यादा इसको राजनीति कर रही है, उज्जवल निकम को एक टिकट देने के बाद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये भी बयान आया कि हमने एक देशभक्त को एक टिकट दिया है। इसके बाद उज्जवल निकम की तरफ से भी बयानबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई, कांग्रेस तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई और दूसरी तरफ से अगर बीजेपी की तरफ से हमें देखा जाए तो उज्जवल निकम और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी जो बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है। जी प्रथमेश, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह का बयान दिया गया है उससे तो ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, देश के जो सिस्टम है उस पर सवाल उठा रहे हैं, उंगली उठा रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से उंगली जो है वो बीजेपी और जो पूरी जो होम मिनिस्ट्री है उस पर उठाई जा रही है, पूरी तरीके से उंगली वहां उठाई जा रही है। लेकिन इसी के बाद अगर देवेंद्र फडणवीस का अगर बयान देखा जाए तो उनके बयान साफ है कि 2000 जो हमला हुआ था 26/11 को, उसी के बाद ही किस तरीके से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उज्जवल निकम, उन्होंने बात रखी थी कोर्ट के सामने और किस तरीके से वो एक जो केस था वो जीता था और जो अजमल कसाब है उनको फांसी के पल्ले तक पहुंचाया था। ये जो बातचीत जो बीजेपी की तरफ से ये लगातार ये कहा जा रहा है किसी भी मीडिया या फिर पीसी में, ये बीजेपी के थ्रू ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, आतंकवादी का समर्थन करना ये सारी हदों को पार कर रहा है, पाकिस्तान को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, इसका मतलब है ये जो बयान सामने आया इस पर विवाद होना लाजमी है। आगे आप नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका प्रथमेश, तमाम जानकारी के लिए।